अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का आगाज़ करेंगे। उससे पहले बच्चे मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता दूं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का। आपने कोई वेक्टर लिया वी, उसके कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई एंड जी। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी वी एंड डिफाइंड एज वी इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर का स्केयर रूट। यानी कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये फार्मूला दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे कि कल हम लोगों ने जो वेक्टर की फॉर्म पढ़ी थी वो हमने ट्रिपल्स की फॉर्म में पढ़ा था। यानी कि वी हमें दिया हुआ होता था ट्रिपल्स में, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे एक्स वाई जी। आज मैं आप लोगों को एक डिफरेंट फॉर्म बताऊँगी यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म, कि किसी भी वेक्टर को ट्रिपल फॉर्म से यूनिट वेक्टर की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे ये। देखें, आपने एक थ्री डायमेंशनल स्पेस ली एक्स वाई जी। आपने एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया ए, वाई एक्सिस के ऊपर बी और सी एक्स जी एक्सिस के ऊपर सी पॉइंट लिया। ए के कोऑर्डिनेट्स आपने लिए 100, बी के कोऑर्डिनेट्स आपने लिए 010 और सी के कोऑर्डिनेट्स आपने लिए 001। ए पॉइंट हमने एट वन डिस्टेंस पे लिया है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसलिए उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 होगा और वाई और जी 0 होंगे। ये कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जी 0 होते हैं, इसकी वजह से वाई और जी की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह बी पॉइंट जो है वो भी हमने वाई एक्सिस के ऊपर वन डिस्टेंस पे लिया है, तो इसका एक्स और जी कोऑर्डिनेट 0 होगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। सेम इसी तरह सी के बारे में भी इसी तरह से। तो अब हमारे पास चूँकि ए जो है ये हमारे पास एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ए ओ ए को हम वेक्टर कंसीडर करेंगे, ओ बी भी हमारे पास वेक्टर होगा और ओ सी भी हमारे पास वेक्टर होगा। ओ ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई यूनिट वेक्टर से। आई यूनिट वेक्टर से क्यों? आई हमारे पास एक सिंबल है जो कि हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया हुआ है, और यूनिट वेक्टर इसलिए मैंने कहा क्योंकि आप ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके देखें तो इसका आंसर 1 आता है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, इसलिए ओ ए जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर है और इसको हम सिंबल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह ओ बी का भी आप मैग्नीट्यूड लें, ये भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है और इसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ओ सी भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है, इसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि वी को यूनिट वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा। देखें, वी हमें ट्रिपल्स की फॉर्म में दिया हुआ है एक्स वाई जी। आपने ट्रिपल्स को सेपरेट कर लिया, मींस आप इस ट्रिपल को लिख सकते हैं एक्स 0 0 प्लस 0 y 0 एंड प्लस 0 0 z। फिर आपने पहले वाले ट्रिपल में से एक्स कॉमन ले लिया, दूसरे वाले में से आपने वाई कॉमन ले लिया और तीसरे वाले में से आपने जी कॉमन ले लिया। तो अंदर जो हमारे पास एक ट्रिपल बनता है वो बनता है 1 0 0 एंड दिस इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जिसको हमने आई यूनिट वेक्टर का नाम दिया है। इसी तरह हमारे पास 0 1 0 क्या है, ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस जिसको हमने जे यूनिट वेक्टर का नाम दिया है। इसी तरह हमारे पास 0 0 1 है हमारे पास यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जी एक्सिस और इसको हमने के यूनिट वेक्टर का नाम दिया। तो इस तरह से वेक्टर वी जो है हमारे पास ट्रिपल फॉर्म से आई जे के की फॉर्म यानी कि यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यही रिप्रेजेंटेशन बच्चे मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर की ट्रिपल फॉर्म से यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो है डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन को साइंस के बारे में पहले बता दूं आपको, डायरेक्शन बच्चे एंगल को कहते हैं और को साइन से मुराद कॉज फंक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो डायरेक्शन को साइंस से मुराद है कि कॉज और साथ में उसके एंगल। अब हम आते हैं डायरेक्शन को साइन ऑफ ए लाइन की तरफ। बच्चे आपने थ्री डायमेंशनल कोई स्पेस ली एक्स वाई जी, उसके अंदर आपने एक पॉइंट पी लिया, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने लिए एक्स वाई जी। पॉइंट पी को आपने ओरिजिन से मिला दिया यानी कि ओ से, तो इस तरह से हमारे पास एक लाइन बन जाएगी उसको, और लाइन बनेगी हमारे पास ओ पी। अब बच्चे ओ पी जो लाइन है आप देखें एक्स एक्सिस को भी मीट कर रही है एट पॉइंट ओ पे, ओ पी लाइन हमारे पास वाई एक्सिस को भी मीट कर रही है एट पॉइंट ओ पे, और ओ पी लाइन जी एक्सिस को भी मीट कर रही है हमारे पास एट पॉइंट ओ पे। तो जाहिर सी बात है जब ओ पी लाइन एक्स एक्सिस को मीट करेगी तो यहाँ पे हमारे पास ओ पी और एक्स एक्सिस के दरमियान एक एंगल बनेगा, उसको अल्फ़ा कहेंगे। ओ पी और
वाई एक्सिस के दरमियान भी एंगल बनेगा उसको हमने बीटा ले लिया, इसी तरह ओ पी और हमारे और जी एक्सिस के दरमियान भी एंगल बनेगा हमारे पास उसको हम गैमा कहेंगे। एंगल्स के बारे में सब पहले मैं आपको बता दूं कि एंगल कैसे बनता है, कि जब दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को मीट कर जाएं, जब दो लाइंस एक दूसरे को मीट करें किसी पॉइंट पे तो उन दोनों लाइंस के दरमियान एक एंगल बनता है, जिस तरह अब हमारे पास ओ पी और एक्स एक्सिस, ओ पी और वाई, ओ पी और जी एक्सिस के दरमियान एंगल बने, तो उनको रिस्पेक्टिवली हमने अल्फ़ा बीटा और गैमा लिया है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन को साइन यानी कि कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा कैसे निकलता है। कॉस अल्फ़ा के लिए फार्मूला है आपके पास एक्स ओवर आर, कॉस बीटा के लिए फार्मूला होगा आपके पास वाई ओवर आर, जबकि कॉस गैमा के लिए फार्मूला होगा जी ओवर आर। एक्स वाई और जी से आप फेमिलियर हैं, एक्स वाई और जी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, जबकि आर क्या है हमारे पास, आर बराबर होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर के। तो इस तरह से ये हमारे पास डायरेक्शन को साइंस आ गए, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। इस तरह से जब भी आपको कोई पॉइंट गिवन हो तो उसकी मदद से आप उस लाइन के डायरेक्शन को साइंस निकाल सकते हैं। एक और नोटेशन आपको बताती चलूं कि कॉस अल्फ़ा को हम एल कहते हैं, कॉस बीटा को एम और कॉस गैमा को एन, और जहाँ भी आपको एल एम एन नज़र आए तो आप समझ जाइएगा कि ये डायरेक्शन को साइंस है। एक थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि एल एम एन डायरेक्शन को साइंस हैं, जबकि अल्फ़ा बीटा गैमा हमारे पास डायरेक्शंस होंगी। उसके अलावा नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है एक फार्मूला लिखा हुआ, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू वन, यानी कि डायरेक्शन को साइंस के आप स्केयर लें, उन्हें ऐड करें तो उनका आंसर वन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी मोस्टली एक्सरसाइज में यूज़ होगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन को साइंस का आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुक है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इफ़ लैम्डा म्यू न्यू आर नंबर्स प्रोपोर्शनल रिस्पेक्टिवली टू द डायरेक्शन को साइंस एल एम एन ऑफ अ लाइन। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन है और एल एम एन उसके डायरेक्शन को साइंस है, तो जो लैम्डा म्यू और न्यू होंगे, लैम्डा एल के प्रोपोर्शनल होगा, म्यू एम के प्रोपोर्शनल होगा और न्यू एन के प्रोपोर्शनल होगा। अगर इस तरह से लैम्डा म्यू न्यू हमारे पास दस्तयाब हैं तो लैम्डा म्यू न्यू को हम लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ कहेंगे। लगे हाँ, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज़ से क्या मुराद है। चूँकि वेक्टर और लाइन का एक दूसरे के पैरेलल है, वेक्टर का ये डिफरेंस है कि उसको डायरेक्शन दी गई होती है, एरो का निशान लगा के उसको बताया हुआ होता है कि इसकी ये डायरेक्शन है, जबकि लाइन को ज़रूरी नहीं कि आपने डायरेक्शन दी गई हो। अगर लाइन को डायरेक्शन दे दी जाए तो वो वेक्टर ही बन जाता है, अदरवाइज़ इन दोनों में ये डिफरेंस है। और इस चैप्टर में हम लोग लाइन को मोस्टली वेक्टर ही कंसीडर करेंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक साथ ही टैकल करेंगे। तो ये बताती चलूँ कि अगर आपको वेक्टर गिवन है और उसके डायरेक्शन रेशोज़ फाइंड करने का कहा जाए तो वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज़ क्या होते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट्स। आप वेक्टर के कंपोनेंट्स ले लें, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट, ये वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं, यानी कि लैम्डा म्यू न्यू होते हैं। नेक्स्ट बच्चे इन जो आप लोगों को मैंने अभी चीज़ें बताई हैं इनसे जो रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज 7.2, इसके चार क्वेश्चन हैं। फर्स्ट टू क्वेश्चन बहुत ट्रिवियल हैं, वो आप लोग खुद आसानी से कर लोगे। मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें ज़रा, अलाइन मेक्स एंगल्स अल्फ़ा बीटा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड एंगल गैमा व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि आपको अल्फ़ा एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और बीटा एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आपने गैमा फाइंड करके देना है। अभी हम एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है डायरेक्शन को साइंस के हवाले से कि कॉस केयर अल्फ़ा प्लस कॉस केयर बीटा प्लस कॉस केयर गैमा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी जो अभी हमने पढ़ी है पीछे मैंने एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ, दोनों सेम है। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपने पुट की, कॉस बीटा की वैल्यू पुट की, और इसी तरह से आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की और कॉस गैमा की आपने दो वैल्यूज़ गेट कर ली, एक है प्लस 1/2 और एक है -1/2। तो इस तरह से हमारे पास गैमा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 एंड कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। बच्चे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसका खुद से कीजिएगा, कोई भी मसला हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।